Hey guys, welcome to Cooking and Vlog by Mannu. Guys, today I am going to make Shahi Mughlai Zarda. ये झटपट बनने वाला जर्दा है, बहुत इजी मेथड से आपको बताऊंगी। इसमें मिनिमम 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे बनने में। Now guys, let's get started. यहाँ मैंने 1 बोल घी लिया है, इसमें से 4 टेबल यूज करूंगी। 250 ग्राम शुगर ली है, 1 बोल मैंने राइस लिए हैं, मींस 300 ग्राम ये मैंने सीला राइस लिए हैं और इन्हें मैंने मॉर्निंग में सोक कर लिया था 2 आवर्स के लिए। सीला राइस आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, मैंने यहाँ गैलेक्सी ब्रांड ली है। 1/2 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, 6 to 7 मैंने कार्डिमम लिया है। यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, इसे मैं राइस बॉईल करते टाइम ऐड करूंगी। मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 1 लीटर वाटर ऐड करूंगी। ये जग मेरा 1/2 लीटर का है, मैंने मेजरमेंट इसी जग से लिया है। By the way guys, मैं इसमें 2 कलर ऐड करूंगी। फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज फूड कलर, सेकंड रेड फूड कलर। रेड फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको ज्यादा रेड पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड मत करना। अब इसमें ऐड करूंगी ग्रीन कार्डियमम। गाइज, इसमें मैंने सिर्फ 4 ग्रीन कार्डियमम ऐड की है, आप इसमें टोटल ऐड मत करना। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस। Now let to be a boil. इतने हमारा उसमें बॉइल आ रहा है, इतने में आपको गार्निशिंग दिखाती हूँ मैं किस किस चीज से गार्निशिंग करूंगी। फर्स्ट मैंने लिए है गुलाब जामुन, ये स्मॉल साइज गुलाब जामुन है। इसमें ऐड करूंगी 150 ग्राम खोया। गाइस, खोया जो है हमारे शाही जर्दे का टेस्ट और इंक्रीज करता है। मैंने शाही मुगलई जर्दे को कलरफुल बनाने के लिए कुछ टूटी फूटी और चेरीज का यूज किया है। नाउ आई एम टेकिंग सम नट्स, 2 टेबल स्पून कैशू, 1 टेबल स्पून रेजन, ये मैंने डार्क ब्राउन ली है, एंड 2 टेबल स्पून ब्राउन रेजन। वॉलनट्स लूंगी 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सॉफ्ट आमंड्स लिए हैं। गाइस, वाटर भी बॉईल हो चुका है। नाउ ऐड राइस। गाइस, हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इन राइस को हमें 100% कुक करना है, ये कंपलसरी है, डोंट स्किप दिस। ये मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स में कुक हो जाएंगे। हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और राइस भी 100% कुक हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए मेरे राइस 100% कुक हैं। अब मैं इसे कर लेती हूँ स्टेन। नाउ टेक अ वॉक। अब ये अच्छे से हीट भी हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करूंगी घी 4 टेबल स्पून। नाउ ऐड ग्रीन कार्डिमम। गाइस, यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर रखी है। अब इसमें ऐड करूंगी बॉइल्ड राइस। ऐड शुगर।
गाइज हेयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इसे स्टर करो बहुत स्लोली हैंड से इसे मूव करना है। गाइज राइस को ज़्यादा स्टर नहीं करना वरना राइस ब्रेक हो जाएंगे, हमें राइस बस मिक्स करने हैं। अब हम इसे लीड से कवर करेंगे, अब इसे देखेंगे 3 to 4 मिनट्स बाद। आफ्टर 3 to 4 मिनट्स गाइज आप देख रहे होंगे हमारे राइस में शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गाइज अगर आपके जर्दे में हल्का सा भी पानी रह गया हो तो आप इसे ओपनली कुक करना 1-2 मिनट्स के लिए। हमारे जर्दे में बस घी घी दिखना चाहिए, कोई वाटर की क्वांटिटी होनी ही नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरे जैसे जर्दे में घी दिख रहा है, सेम एग्जैक्ट ऐसी ही। अब हम इसको शाही तरीके से गार्निश करते हैं। इस जर्दे की खासियत यह है, ये बहुत क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत डिलीशियस है ये। आप इसे रक्षाबंधन, ईद या फिर कोई भी फेस्टिवल में बनाए बहुत टेस्टी बनता है। प्लीज गाइज मस्ट ट्राई इट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गुलाब जामुन जो इसकी जान है। गाइस अब मैं इसमें ऐड करूंगी खोए के पेड़े, ये ऑप्शनल है। गाइस ये हमारा शाही मुगलई जर्दा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे खुद भी बनाएं, अपनी फैमिली में भी शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।